नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे खिलाड़ी नंबर वन। एक्सपायरी का दिन और एक्सपायरी थोड़ी सी बाजार के लिए भारी पड़ रही है क्योंकि बिकवाली का दबाव खासा है। 2294 ये ऊंचाई थी आज निफ्टी के लिए, लेकिन आप देखिएगा इस समय डे लो के आसपास इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। 21,900 को होल्ड नहीं कर पाए हैं हम, 21,884 के लेवल्स, अब 82 के लेवल्स पर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तो क्लियरली फ्रेश डे लो पर इस समय मार्केट आता हुआ। निफ्टी बैंक का दर्द ज्यादा है, 536 अंकों का नुकसान इधर, 46,481 पर इस समय ये इंडेक्स आ चुका है, तो क्लियरली ये भी इनफैक्ट डे लो के आसपास ही ट्रेड करता हुआ। 47,000 पर हम टिक नहीं पाए हैं, करीब 1.5% से ज्यादा का नुकसान HDFC बैंक ने दिखाया है। इंडसइंड बैंक में भी अब बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आप गौर करेंगे ICICI बैंक, कोटक के सारे स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स को नीचे खींच रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है, इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स आज कमजोर है, लेकिन इतना कमजोर नहीं है जितना शायद पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिला हो, 70 पॉइंट की गिरावट, लेकिन हाँ दबाव का सिलसिला कायम है। इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इस समय जो फ्रेश बिकवाली आ रही है वो दरअसल ग्रासिम की तरफ से आती हुई दिखाई दी है, लेकिन इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर्स स्क्रीन पर रखेंगे तो वहां पर एक साफ होगा कि ज़्यादा प्रेशर कहां पर है। यहां पर बैंकिंग काउंटर्स, रिलायंस जैसे काउंटर्स का सबसे ज़्यादा योगदान है सेल साइड्स की तरफ। आप देखिएगा HDFC भारती, IT टाइटन और ICICI बैंक में बिकवाली, लेकिन TCS, HCL टेक तो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट और एक्सिस में खरीदारी के अंश आपको दिख रहे हैं। एक बार चार्ट रखिए स्क्रीन पर प्लीज़ ग्रासिम का, क्योंकि देखते ही देखते ही करीब करीब 2.5% नीचे आ चुका है काउंटर। अब तक अच्छी तेज़ी में था, इनफैक्ट 52-week हाइस के आसपास ही कारोबार कर रहा था, उसको छुआ था आज 2133 पर एक क्लियर कट स्लाइड आता हुआ। आज ही दरअसल ये अपने पेंट बिजनेस के प्लांट्स को कमीशन करते हुए दिखाई देंगे, तो वहां पर कुछ और फुटप्रिंट आता हुआ दिखाई देगा पेंट साइट पर। चलिए, ये अब तक की स्थिति। अब ऐसे में और इतने बिखरे बाजार में हमारे जानकारों के कल तक के रिटर्न्स क्या थे, आज की पोजीशनिंग क्या रहेगी, उस सब पर होगी बातचीत। पहले लेकर आते हैं आपके लिए रिटर्न्स अब तक हमारे जानकारों ने जो कल दोपहर तक कमाए हैं। 13% के नेगेटिव साइड पर आ चुके हैं अरुण, ओशो 4% के नेगेटिव रिटर्न्स, प्रदीप होल्ड कर रहे थे पॉजिटिव जोन में, लेकिन यहाँ पर भी मंदी के सौदे अब शायद पकड़ने पड़ेंगे अपने आप को संभालने के लिए, ये भी -0.18% के रिटर्न्स पर। क्या शॉर्ट साइड का रुझान अब फोकस में रखें प्रदीप, क्या होगी चाल? जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल हमने निफ्टी में 22,000 के सपोर्ट की बात की थी, तो लेट ट्रेड में इसी लेवल को छू के रिकवरी जरूर से आई थी, पर आज के शुरुआती कारोबार में ये लेवल जैसे ही टूटा हमने एक क्विक सेल ऑफ देखा है। हमारे हिसाब से ये फॉल एक्सटेंड हो सकता है। नेक्स्ट जो सपोर्ट हमको दिख रहा है वो 22,821-22,750 के रीजन में आएगा, जहाँ 34 DM है, तो क्लियरली निफ्टी में ये वीकनेस एक्सटेंड हो सकती है। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा वीकनेस की जो हमने कल बात की थी वो भी एक्सटेंड हो रही है, तो हमारे हिसाब से थोड़ा सा और 1.5-2% का करेक्शन और है, तो बाय एंड लार्ज ब्रॉडर इंडाइसेस पे और मेन इंडाइसेस पे नेगेटिव रहेगा। हालांकि जो खिलाड़ी नंबर वन में नए ट्रेड जोड़ने की बात है, तो एक ही ट्रेड में अभी जोड़ूंगा जो लॉन्ग साइड, क्योंकि वहां पे मेरे को एक सिग्निफिकेंट आउटपरफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी आज के लिए रहेगी। ओशो आपको क्या लग रहा है, कैसे अप्रोच करना चाहिए इस मार्केट को, और क्या आप मंदी के सौदों पर अब फोकस करना शुरू करेंगे? सी मार्केट में अगर देखें तो कल सेकंड हाफ में काफी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, आज भी कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा है, बट टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे जो हमारा सपोर्ट जोन है वो 21,800 के आसपास है, तो 21,800 के पास मार्केट को संभलना चाहिए। ये मेक और ब्रेक जोन रहेगा निफ्टी के लिए, अगर इसके नीचे स्लिप होता है तो डेफिनेटली 21,500 के टारगेट्स हम देख सकते हैं, तो 21,800 के पास एक बार के लिए लास्ट होप रखना चाहिए बाय ऑन डिक्लाइंस का, एंड हमारा अप्रोच भी बाय ऑन डिप का ही है इंडाइसेस पे, तो 21,800-850 स्पॉट जोन पे एक बार बाय की राय बनेगी। हायर लेवल्स पे 22,100-22,050 से 22,100 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, बट अभी हमें बहुत फजी रहना पड़ेगा स्टॉक सिलेक्शन पे, बिकॉज मेजरली अगर हम देखें इंडाइसेस में दो दिन में फॉल हुआ है, बट ओवरऑल मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिला है, तो उसके हिसाब से हमें अपना स्टॉक सिलेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग एंड काफी सेलेक्टिव रह करके लेना पड़ेगा। ओके, तो थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टॉक सिलेक्शन ऑफ कोर्स रहेगा ही। अरुण आपकी अप्रोच क्या रहेगी?
हर्षराज जी, गुड मॉर्निंग, और सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, डेफिनेटली एक बड़ा डिफिकल्ट मार्केट है। सेकेंडली, दोनों साइड के एक्सट्रीम जोन हमने देख लिए, 22,300 भी देख लिया, 21,900 के आसपास भी आसपास चल रहे हैं। तो 22,200-250 डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस बन चुका है, पर 21,900-850 ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसी के बीच में एक्जैक्टली मार्केट ट्रेड हो रहा है। तो निफ्टी पे तो अगेन एक कॉन्ट्रा व्यू ही रहेगा, कोई सेल की राय तो नहीं है, क्योंकि अभी भी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है। 21,800-850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर वहां पे आता है तो मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगेन सेल ऑफ 8 मिड कैप्स में कम है, कल थोड़ा ब्रूटल सेल ऑफ देखने को मिला, तो मुझे लग रहा है मिड कैप्स अगर थोड़ा आउट परफॉर्म करेंगे तो मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है। इफ्स एंड बट्स वाली सिचुएशन हो गई है, अगर मिड कैप परफॉर्म करेंगे तो शायद स्टेबिलिटी आएगी। चलिए एक एक करके सभी के सौदे देखते हैं। अरुण कुमार मंत्री, इनफैक्ट उनके लिए ये हफ्ता थोड़ा सा खराब उभर कर आ रहा है, नेगेटिव रिटर्न्स -13% के। इनका हुडको का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ कल, लक्ष्मी ऑर्गेनिक का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ कल, EIL से एग्जिट कर लिया, तो आपको एक फ्रेश स्टार्ट का मौका मिल रहा है। अरुण, बताइए क्या ट्रेड रहेगा? अच्छा जी, डेफिनेटली आपने सही कहा, ये काफी मुश्किल भरा वीक मेरे लिए रहा है, और मेजर जो भी स्टॉक्स हमने लिए हैं डेफिनेटली ब्रेकआउट तो संकेत दे रहे हैं, पर मार्केट ने भी साथ नहीं दिया और काफी बड़े सेल ऑफ भी देखने को मिले। अगेन एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहूंगा, एमटा टेक में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। आज एक 5 दिन के ब्रेकआउट के संकेत ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। 2180 का टारगेट रहेगा और 1970 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहना चाहिए। ओके, तो ये 1970 के लेवल्स इन्होंने कहे हैं कि वो स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेंगे, लेकिन 2180 आपका टारगेट रहेगा। बाय साइड का ट्रेड इस समय एमटार में उभर कर आया है। ओशो का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रखते हैं, तो इनके लिए टाटा कॉम कल एग्जिट किया, गोदरेज कंज्यूमर को अभी भी ये होल्ड कर रहे हैं, और आरती इंडस्ट्री में कल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। आपका नया ट्रेड क्या रहेगा? नया ट्रेड आज के लिए एक है, अभी बाय अगर हम देखें, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में बहुत स्ट्रांग ट्रैक्शन देखने को मिला है, तो मेट्रोपोलिस पे बाय की सलाह रहेगी। इसमें अगर हम देखें तो बहुत स्ट्रांग टेक्निकल सेटअप बना है, पिछले हफ्ते एक ब्रेकआउट आया था एंड पिछले 3 दिनों में वो ब्रेकआउट को वापस से रीटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। सो वापस रीटेस्ट करने के बाद एक स्ट्रांग रिसर्जेंस है काउंटर में, सो करेंट लेवल पे बाय करने की सलाह है। 1720 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले एंड हायर लेवल्स पे, ऑल्दो पहला टारगेट इसका 1800-1810 के पास आ रहा है, बट उसे अगर ब्रीच कर पाता है तो वहां से 1840 के टारगेट समय इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 1800 के लिए, तो पहले टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी मेट्रोपोलिस में 1720 का स्टॉप लॉस रहेगा। प्रदीप के पोर्टफोलियो में सन फार्मा एग्जिट किया आज, जिन्होंने सुबह में 1539 के लेवल्स पर ICICI सिक्योरिटीज कैरी करके आए थे, ये रख रहे हैं या फिर एग्जिट कर रहे हैं प्रदीप? ये भी मैंने सुबह में एग्जिट कर लिया है करीबन 815 के लेवल पे। ओके, तो नया ट्रेड क्या होगा आपका? जी, इकलौता ट्रेड जो मैंने बाय साइड के ऐड करने की बात की थी उसका नाम है ग्रेफाइट इंडिया। ग्रेफाइट इंडिया में शुरुआती कारोबार में अगर आप देखें तो एवरेज 20-day वॉल्यूम से करीबन 3 गुना वॉल्यूम अभी तक ऑलरेडी हो चुके हैं, और रिसेंट टॉप्स को कनेक्ट करते हैं तो उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी ये शुरुआती कारोबार में कंफर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हमको लगता है कि अच्छा मोमेंटम आने वाले 3-4 दिनों में बन सकता है। 558 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 650 के टारगेट के लिए लेंगे। ग्रेफाइट इंडिया 650 का आप कह रहे हैं टारगेट रहेगा, तेजी का ट्रेड है, 650 आपके लिए टारगेट, तो 558 स्टॉप लॉस का काम करेगा, ये है फिलहाल वो ट्रेड। प्रदीप, दूसरा ट्रेड देने का इस समय प्लान है या फिर दोपहर तक रुकेंगे? नहीं, अभी तो मैं एक ही ट्रेड दूंगा, बाद में फॉर्मेशन देख के फिर अगर ऐड करना है तो दोपहर में करेंगे। अरुण, अच्छा जी, अगेन थोड़ा पोर्टफोलियो में थोड़ा क्रंच है, इसीलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करके दूंगा। मोस्टली 12:30-1 बजे बाद कोई स्टॉक निकलेगा तो वहां पे इनिशिएट जरूर करूं। ओशो, आप भी एक जोड़ सकते हैं वैसे? नहीं, सेम अप्रोच है मेरा भी, बिकॉज मार्केट में अभी काफी टेंटेटिवनेस देखने को मिल रहा है, कन्विक्शन से बाय नहीं आया है मार्केट में, तो जब एक वापस से अगर कन्विक्शन दिखता है सेकेंड हाफ में बाय की तरफ, तब सेकेंड बाय का जो बहुत सारे काउंटर्स रडार पे हैं वो एक बार मार्केट कंक्लूसिव हो जाता है, तब वहां पे बाई की सलाह सेकंड हाफ में देने को देख सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए क्लियरली वो ट्रेड सेकंड हाफ में ही नया वाला आएगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, चलिए फिर तो अब बात करते हैं आज की जो IPO मार्केट में खुल रहा है, ILS हॉस्पिटल के नाम से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाने वाली कंपनी GPT हेल्थ केयर, ये IPO मार्केट में आ चुका है। करीब 525 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी, इशू प्राइस 177 से 185 है।
अब ये 525 में 485 OFS है, बाकी बचा हुआ फ्रेश इशू रहेगा। क्या है प्लान्स, कौन कौन एग्जिट कर रहा है, इस सब पर बात करने के लिए कंपनी के डायरेक्टर अनुराग तांतिया और साथ ही ग्रुप CFO अतुल तांतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है CNBC आवाज पर। मैं पहले तो ये समझना चाहूंगी ये लार्जली एक OFS है, कौन एग्जिट कर रहा है, अनुराग अगर उसका डिटेल आप हमें दे सके। थैंक यू फॉर हैविंग अस। हाँ, ये लार्जली एक OFS है। हमारे ग्रुप में, हमारे हॉस्पिटल चेन में बैन एंट्री करके प्राइवेट इक्विटी प्लेयर आए थे 2014 में, वो अब एग्जिट कर रहे हैं। 9.5 ईयर्स का फंड एग्जिस्टेंस था हमारे संग में, उनका फंड लाइफ अब खत्म हो रहा है एंड उनका मैक्सिमम OFS हो रहा है। इसमें क्या प्रोमोटर्स भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं? नहीं, प्रोमोटर्स OFS में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। प्रोमोटर्स आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस और हम अभी भी स्टेक रख रहे हैं फुल। ओके, और कितना स्टेक है इस समय प्रोमोटर्स का कंपनी में? प्रोमोटर्स का अभी 67% स्टेक है, पोस्ट इश्यू करीब 65% स्टेक हो जाएगा। ओके, और वो जस का तस रहेगा, ठीक है। सो दैट इज अंडरस्टूड, प्राइमरी OFS है क्योंकि बैनियन ट्री जो इनके साथ पहले जुड़ा था वो अब एग्जिट कर रहा है, वो भी मुनाफा वसूलेंगे तो, और प्रोमोटर्स ज्यादा स्टेक नहीं बेच रहे, सिर्फ 2% इनका स्टेक कम होगा इस इशू के बाद। लेकिन अतुल जी, यहाँ पर एक चीज मैं और पढ़ रही थी कि जो बाकी रकम जो फ्रेश इशू है उसमें आप अपना डेट कम करने की कोशिश करेंगे, तो डेट इस समय किन लेवल्स पर है, कितना कम करेंगे, अगर उसका कुछ टाइमलाइन हमारे साथ शेयर कर पाए। जी, डेट हमारे बैलेंस शीट पे काफी कम है अभी, एज ऑफ दिसंबर अबाउट 46 करोड़ डेट है एंड फ्रेश इश्यू से हम 30 करोड़ डेट कम कर देंगे, तो बाकी जो 16 करोड़ है वो भी हम नेक्स्ट 12 महीना में कम कर देंगे एंड डेट फ्री हो जाएंगे FY25 में। ओके, FY25 में यू विल बी एब्सोल्युटली डेट फ्री, दैट्स गुड टू हियर। अब मैं आपके बिजनेस को समझना चाहूंगी, आप एक लार्जली रीजनल प्लेयर हैं अनुराग, किस तरह की ऑक्यूपेंसी आप इंजॉय करते हैं, इफ दैट्स द राइट वे टू लुक एट इट, एवरेज स्टे कितना रहता है आपके पेशेंट्स का जब आपके हॉस्पिटल में आते हैं? हम लार्जली एक रीजनल हेल्थ केयर प्लेयर हैं, हमारे 4 हॉस्पिटल हैं इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जैसा कि आप जानते होंगे काफी अंडरपेनिट्रेटेड है हेल्थ केयर पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे करीब 13 से 14 बेड है पर 10,000 पॉपुलेशन कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैविंग अ मच लार्जर डेंसिटी। हमारे हॉस्पिटल्स अभी जो 4 हॉस्पिटल हैं एग्रीगेटेड ऑक्यूपेंसी 60% है, करीब 70-75% ऑक्यूपेंसी इज एन ऑप्टिमल ऑक्यूपेंसी। हमारी ऑक्यूपेंसी थोड़ी कमजोर है 60% पे क्योंकि एक नई हॉस्पिटल हावड़ा कमीशन हुई थी जो कि जिसकी ऑक्यूपेंसी रैंप अप हो रही है, उसकी ऑक्यूपेंसी रैंप अप होने के बाद हम भी करीब करीब उस लेवल पे आ जाएंगे। ओके, और ये ऑक्यूपेंसी जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी, लेकिन एवरेज रेवेन्यू पर बेड कितना आप लोग कमा लेते हैं एंड हाउ इज इट इन अमंगस्ट योर पीयर्स, वेयर डू यू स्टैंड? तो हमारी ARPOB 32,000 लेवल पे है जबकि लिस्टेड नेशनल प्लेयर्स ऑलमोस्ट 50,000 के लेवल पे है। हमारी जो ARPOB की लेवल है 32,000 इज एट पार विद आवर रीजनल प्लेयर्स। हमारी रीजन दिस 32,000 इज अ फैक्टर ऑफ द रीजन वेयर वी ऑपरेट, अगर रीजनल प्लेयर से कंपेयर करें तो हम उनके संग संग में ही हैं, बट कंपेयर टू नेशनल हाँ हम जरूर एक डिस्काउंट पे हैं क्योंकि हम एक मिडिल इनकम फोकस पे काम करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसके 4-5 किलोमीटर के रेडियस के पेशेंट्स को कैटर करना चाहते हैं, इसीलिए एक इंटेंशनल इफेक्ट भी है ARPOB को कम रखने का। लेकिन अतुल जी, फिर दिक्कत एज ए CFO आपके लिए यही होती है कि आप लो कॉस्ट में अच्छी सेवा देना चाहते हैं, नेबरहुड के पेशेंट्स को ज्यादा कैटर करना चाहते ताकि वहां पर एक क्लाइंट बेस बने, लेकिन इस तरह के एनवायरनमेंट में फिर अतुल मार्जिन्स की सिचुएशन क्या रहती है? जहां तक EBITDA मार्जिन की सवाल है, लास्ट ईयर हमारा EBITDA मार्जिन करीबन 22.5% था अभी सितंबर हाफ ईयर तक, जो कि रीजनेबल EBITDA मार्जिन है। जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी हावड़ा और बाकी हॉस्पिटल्स की, ये EBITDA मार्जिन इम्प्रूव होगा। हम EBITDA मार्जिन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कॉस्ट मेजर्स यूज करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग कॉस्ट, क्योंकि हम एक नेबरहुड में काम करते हैं मार्केटिंग कॉस्ट हमारा मिनिमल रहता है। हम
काफी से टूल्स यूज करते हैं, जैसे SAP यूज करते हैं बैकएंड में फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए, एक अच्छा HMIS यूज करते हैं टू गिव सर्विस डिलीवरी टू द पेशेंट्स, विच इंश्योर्स कि हमारा जो EBITDA मार्जिन है 22-23% के बीच में अभी रहे, और जैसे जैसे ऑक्युपेंसी बढ़ेगी ये EBITDA मार्जिन इंप्रूव करेगा। ओके, तो इट इज क्लियरली डिपेंडेंट ऑन हाउ वेल योर ऑक्युपेंसी डज, फिर उसमें EBITDA मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अनुराग, आपने मेंशन किया हावड़ा में एक नया हॉस्पिटल आप खोल रहे हैं, क्या कुछ और नए लॉन्चेस पर कंपनी का फोकस रहेगा? क्या आप अपने फुटप्रिंट को बियॉन्ड ईस्ट ऑफ इंडिया भी बढ़ाना चाहेंगे? हमारी हावड़ा हॉस्पिटल ऑलरेडी खुली खुली भी है, वो एक नेसेंट हॉस्पिटल है जिसका ऑक्युपेंसी थोड़ा कमजोर है। ओके, अभी उसके अलावा हमारे दो नए हॉस्पिटल आ रहे हैं, एक रायपुर में आ रहा है जो कि इस कैलेंडर ईयर के एंड तक चालू हो जाएगा, और एक रांची में आ रहा है जो कि FY 27 तक चालू होगा। ईस्टर्न इंडिया काफी अंडर पेनिट्रेटेड है हेल्थ केयर के को देखते हुए, और हमारा फोकस ईस्टर्न इंडिया में ही रहेगा। ईस्टर्न इंडिया में हमारा ब्रांड नेम है और हम चाहते हैं कि ईस्टर्न इंडिया में फोकस करके अपना ब्रांड को और बढ़ाएं। ओके, और रफली कितना इन्वेस्टमेंट आप करेंगे इन नई फैसिलिटीज में जो रायपुर की बात हो रही है? अतुल, तो रायपुर में हम एसेट लाइट मॉडल में जा रहे हैं, जहां पर हमने लैंड और बिल्डिंग एक लोकल डेवलपर से लॉन्ग टर्म लीज पर लिया है, बाकी इक्विपमेंट और फर्निशिंग हम करेंगे, जिसमें लगभग 55 करोड़ रुपया खर्चा होगा। और जहां तक रांची का सवाल है, उसमें भी हमने एसेट लाइट मॉडल चूज किया है, विच विल एंटेल एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट 50 करोड़ रुपए, दोनों मिलाकर अबाउट 105 करोड़ रुपया। ये एसेट लाइट मॉडल हमने इसलिए भी चूज किया है क्योंकि हमको नेबरहुड में शहर के बीच में एक अपॉर्चुनिटी मिली टू सेट अप द हॉस्पिटल, और इससे हमारा ROC ROE जो कि ऑलरेडी 25% के ऊपर है वो वहां मेंटेन रहेगा। तो मैं आपसे फिर ये समझना चाहूंगी अतुल जी कि आपके पास कैश ऑन बुक्स कितना है, एंड ये जो आप रफली 100 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, वुड यू हैव टू रेज फंड्स फॉर दैट, क्योंकि आप अपने डेट को कम करने की कोशिश में है इस समय, सो आई एम अज्यूमिंग योर यूजिंग योर इंटरनल अक्रूअल्स। करेक्ट, तो एज ऑफ टुडे ये जो दो नए हॉस्पिटल आ रहे हैं उसके लिए 38 करोड़ का कैश ऑन बुक्स है, विच विल फंड द ग्रोथ। क्योंकि हम एक नेबरहुड मॉडल में ऑपरेट करते हैं, हमारा कैश फ्लो काफी स्ट्रांग है, हम 95% कैश और इंश्योरेंस बिजनेस करते हैं, 5% बिजनेस केवल गवर्नमेंट स्कीम्स या कॉर्पोरेट टाई अप से है। इसके तहत हमारा 80% कैश फ्लो टू EBITDA कन्वर्जन है, तो हमारा इंटरनल अक्रूअल्स काफी स्ट्रांग रहता है। सो ये जो दो नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं हम अपने आप से फंड कर पाएंगे, हमें नया नया पैसा रेज नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर द इशू। थैंक यू। चले, तो ये बात हुई इस नए इशू की, GPT हेल्थ केयर का जो इशू आज मार्केट में खुल चुका है, 26 फरवरी तक ध्यान रहे आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, 177 से 186 रुपए का प्राइस बैंड है। लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद एक रिकैप लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर वन का। ओके, तो मिड कैप इंडेक्स थोड़े से पॉजिटिव जोन में आया है, ये 14.2 पर है, लेकिन आप देखिएगा निफ्टी का हाल, निफ्टी रिट्रेस कर 21,900 पर लौटता हुआ इस समय, तो बहुत मामूली सा रिट्रेसमेंट है, लेकिन हाँ वो 21,875 से थोड़ा सा रिलीफ जरूर आया है। निफ्टी बैंक की स्थिति में कोई बदलाव नहीं, वो 525 अंकों के नुकसान पर अभी भी कारोबार कर रहा है। चलिए अब आते हैं खिलाड़ी नंबर वन के अपडेट्स पर, हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स ले लिए हैं, अरुण कुमार मंत्री ने एमटार दिया, एक जगह खाली है, आगे ट्रेड जोड़ेंगे, 2180 का टारगेट है, 1970 का स्टॉप लॉस रहेगा, रिटर्न्स की सिचुएशन एमटार भी ज़्यादा है, 0.2% का ड्रैग इसमें बनता हुआ। अगला ट्रेड प्रदीप का, प्रदीप ने ग्रेफाइट इंडिया जोड़ा, एक जगह खाली रखी है, 650 का टारगेट है, 558 का स्टॉप लॉस है, ग्रेफाइट इनको 0.24% जोड़कर दे रहा है। ओशो के पोर्टफोलियो पर नजर डालेंगे तो गोदरेज कंज्यूमर कल से आज में इन्होंने कैरी किया, 1300 का टारगेट और 1208 का स्टॉप लॉस है। मेट्रोपोलिस हेल्थ इन्होंने नया जोड़ा है ट्रेड, 1810 टारगेट और 1720 का स्टॉप लॉस, दोनों में गोदरेज 0.58% का योगदान दे रहा है लेकिन मेट्रोपोलिस 0.96% का ड्रैग दिखा रहा है। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, पॉजिटिव में होल्ड कर पाए हैं प्रदीप अपने आप को, लेकिन -4.5% के रिटर्न्स ओशो के, -13.73% के रिटर्न्स हैं इस समय अरुण के। ये है आपके लिए ताज़ा हाल।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।